इतना बड़ा देश है, बहुत संसाधन है, बहुत पैसा है हमारे देश में, अगर सबको सबको बराबरी दी जाए, सबको नौकरी दी जाए, सबको काम दिया जाए, सबको खाना मिले, सबको पानी मिले, सबको सम्मान मिले, तो कितना अच्छा सुंदर देश हो जाएगा। और बहुत मेरा बाहर जहाँ भी फैला वो सभी देश जो है बहुत अच्छे आगे प्रोग्रेस कर रहे। चाइना जो है भारत से भी नीचे था, एक समय ऐसा था जब वो आजाद नहीं था, गुलाम था वो भी बहुत सालों तक, तो वहाँ पे मतलब इस तरह की वो नहीं थी, स्थिति नहीं थी कि वो इतना प्रोग्रेस कर सके। लेकिन जब उन्होंने बौद्ध अपनाया तो आज आप देख सकते हैं कि ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल वही जीतते हैं, और आज चाइना के प्रोडक्ट पूरे संसार भर में पाए जाते हैं, मिलते सस्ते दामों में। वहाँ तो स्टूडेंट्स भी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी को अपना के कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये बौद्ध धर्म के फायदे हैं कि जहाँ बौद्ध धर्म फैला वो सारे देश आगे बढ़े, और भारत अभी भी पिछड़ा हुआ रह गया। अगर यहाँ बौद्ध धर्म होता तो शायद भारत भी बहुत आगे पहुंच चुका होता।